मैंने अपने कैरियर की स्टार्ट 21 साल पहले की थी। मुझे बचपन से ही कुकिंग का बहुत शौक़ था और जैसा मेरा शौक़ था उसको मुझे मम्मी पापा ने बहुत इसमें मेरी हेल्प की और बहुत सारे कोर्सेज मैंने पहले किए। जब शादी होके मैं नागपुर आई तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ी सिटी है, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर सिवनी से थी, यहाँ मैं अपना काम कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन धीरे धीरे घर में, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरी मदर इन लॉ नहीं थी, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करके मैंने अपने ससुर से और हस्बैंड से परमिशन ली और एक बहुत ही छोटे लेवल पर एक छोटे से रूम में अपने कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में मेरे यहाँ पर बहुत ही कम, एक या दो बच्चे ही क्लास में होते थे। धीरे धीरे मैंने समाज से जुड़ना चालू किया, संस्थाओं से जुड़ी और जैसा जैसा उन्होंने बोला, जिस समय पे बोला, मैंने वहाँ जाके डेमो दिए। लेकिन मुझे धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिलने लगा और मेरे क्लास में 8-10 बच्चे, 15 बच्चे, ऐसे 20 बच्चे, और अभी तक मैंने जो शो लिया, सबसे बड़ा शो मेरा 3000 लोगों के बीच में हो चुका है। मैं जब भी रात में सोती थी तो एक सपना लेके सोती थी, और जब वो मॉर्निंग में उठती थी, मुझे हमेशा से सुबह जल्दी उठने की आदत थी, और वही पीरियड ऐसा था जिसमें मैं अपने जो भी सपना मैं देखती थी उसको मैं इम्प्लीमेंट करती थी और अपने ससुर और हस्बैंड को उसमें इन्वॉल्व करती थी और उनकी परमिशन से मैं आगे बढ़ती चली गई। छोटे से कुकिंग क्लासेस को लेके मैं, मतलब सक्सेस मुझे मिल रहा था नागपुर में, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इसको लेके बाहर जाऊँ। किसी से अप्रोच करवाया कि मैं बाहर कैसे आ सकती हूँ, नागपुर के बाहर भी कैसे जा सकती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। तो कुछ 2003 में मैंने एक चॉकलेट बुके लॉन्च किया। मैंने एक बहुत छोटा सा बुके दिल्ली में देखा था, उसको मैंने बहुत बड़ा कर दिया और कुछ एग्जीबिशंस लगाई जिसका मुझे बहुत अच्छा कवरेज हर मीडिया ने दिया, और उसके थ्रो, चॉकलेट बुके के थ्रो, मैं पूरे महाराष्ट्र सेंट्रल इंडिया में 250 कुकरी शो अभी तक मैं कर चुकी हूँ। लोगों ने मुझे बुलाया चॉकलेट और चॉकलेट बुके के लिए, लेकिन मैंने उसके साथ में कभी मॉकटेल, कभी स्नैक्स, कभी माइक्रोवेव कुकिंग का भी उनको नॉलेज दिया। चॉकलेट और चॉकलेट बुके साइड में रह गया और मैं दूसरी चीज़ों के लिए, यानी कुकिंग के लिए, अभी भी लगातार बाहर जा रही हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया, पूरे मीडिया के साथ भी मैंने बहुत काम किया हुआ है, और मैं अब एक सपना देख रही हूँ कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो एक कॉलेज में कन्वर्ट हो जाए। इसकी शुरुआत मैंने की है अभी, मैंने सिटी एंड गिल लंदन से एफिलेशन किया है और एक बेकरी कोर्स 6 मंथ का मैंने चालू किया है। इस जो सर्टिफिकेट अभी मैं देने वाली हूँ उसकी वैल्यू 81 कंट्री में है, और उसमें मेरे साथ बहुत सारे शेफ जुड़े हुए हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सब जगह के शेफ वहाँ आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। मेरा जो फर्स्ट बैच है वो 15 जनवरी से चालू हुआ है, उसमें 22 सीट हैं। मैं अभी एक ही बैच ले पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जगह का मैं उतनी जगह नहीं है कि मैं 2-3 बैच वहाँ पर ले सकूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी इसको एक कॉलेज में, बाहर में जगह लेकर कॉलेज में इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं इसको 3-4 बैच कम से कम ले सकूँ। और मैं कल्नरी फील्ड में भी जाना चाहती हूँ, कि जैसे मैंने ये बेकरी का लिया है वैसे ही मैं कुकिंग का भी कुछ एफिलेशन लेकर, और इस तरह से जिससे कि सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ये जो कोर्स मैं भी करवा रही हूँ इसमें आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस तो आप खोल ही सकते हैं, किसी भी 5-7 स्टार में आप जाके जॉब कर सकते हैं, किस और कोई भी बड़ी फैक्ट्री भी आप खोल सकते हैं, खुद की बेकरी भी खोल सकते हैं। सक्सेस के पीछे केवल एक ही, आपको एक ही बोलना चाहूँगी कि एक ही दिशा में मेहनत करना, रोज़ नया सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करते जाना। सीधे एक ही रास्ते पे यदि आप सोचते हैं और सामने देखते हैं तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलती है। मेरी सक्सेस स्टोरी में मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी और मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और अकेली बहू होने के कारण मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत थी, मदर इन लॉ भी नहीं थी मेरी, लेकिन दोनों को, घर और बिजनेस को किस तरह से हमको कैलकुलेट करके
टाइम मैनेजमेंट करके कैसे संभालना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो मैंने बहुत अच्छे से किया। शुरू में मैं केवल 4 घंटे ही सोती थी, क्योंकि स्टूडेंट आते वो मुझे रोज़ नई डिश बताते थे कि इस होटल में ये डिश बनी है वो कैसे बनती है। पहले ना तो कोई गूगल था और ना कोई आपके पास मोबाइल था, उसके लिए आपको बहुत सर्च करना पड़ता था, बुक्स पढ़ना पड़ता था, या उस होटल में जाके खा के देखना पड़ता था कि ये डिश कैसी है। जब नेक्स्ट टाइम वो आते थे तो वो डिश उनको सामने मिलती थी। इस तरह से मैंने स्टूडेंट से ही सीख कर और उनको सिखाया है। तो बहुत सारा स्टूडेंट को भी ये चीज़ का है कि मैंने जो उन्होंने बोला मैंने उस पर मेहनत की और उनके सामने ला के पेश किया। कुकिंग फील्ड भी बहुत बड़ी फील्ड है, यदि आप उसको देखोगे कि छोटी नहीं। बहुत सारे लोग जो चॉकलेट बना के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी बेकरी खोली हुई है, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, अपना खुद का प्रीमिक्सेस तैयार करके और सेल कर रहे हैं। तो आप भी अपना कोई बिजनेस इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। मैम, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब आपने मार्केटिंग के बारे में क्या सोचा था? मार्केटिंग एज इट इज़ क्या माउथ पब्लिसिटी, यदि आपके पास में लोग लगातार आ रहे हैं और बाहर जाके यदि बोल रहे हैं कि ये चीज़ अच्छा है तो अपने आप लोग आते हैं। पहले 2 आते थे, फिर 4 आने लगे, फिर 15-20 ऐसे फ्लो बढ़ता गया। लेकिन जब मैंने अपना चॉकलेट और चॉकलेट बुके का स्टार्ट किया मॉल में, तो उस टाइम मुझे जो थोड़ी बहुत दिक्कत ये आई कि उस टाइम लोगों को चॉकलेट इतना समझता नहीं था जिस टाइम मैंने चालू किया था। तो कुछ समय तक चॉकलेट की पैकिंग, चॉकलेट बुके मॉल में रहने के बाद भी घर आते थे और मुझे उनको फेंकना पड़ता था क्योंकि वो एक्सपायरी हो जाते थे। लेकिन उससे हताश नहीं हुई और लगातार उसको कंटिन्यू रखा, यानी वहीं पर उसको ब्रेक नहीं दिया, कंटिन्यू रखा, तो वो मुझे सक्सेस मिली उसके। हेलो मैम, मैम आपके क्लासेस नागपुर में कहाँ स्टार्ट होने वाले हैं? मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं सदर में। सदर में मैम, एड्रेस एग्जैक्ट अगर कोई करना चाहते या फिर हम खुद करना चाहते तो हमको चाहिए। आप गूगल सर्च कर लेंगे ना, निराली कुकरी इंस्टीट्यूट, तो मिल जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू मैम।